तुमको हम भाग्या कि आज रात के पिसो में सल्लन मेरा उस आ रही होती इतने में वो गुंडों के साथ टकराती। वो देखती है कि निखिल गुंडे प्रज्ञा को कारपेट में लपेट कर घर से बाहर लेके जा रही। वो चिल्लाती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो टकराती है और वो गिर जाती है। उसके सर से खून निकलने लग जाते थे। इतने में निखिल गुंडे प्रज्ञा को ट्रक में डालकर ले जाते हैं। चंकी चिल्लाती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। आलिया और निखिल सारी स्टोरी तनु को बताते हैं और बताते हैं किस तरह प्रज्ञा ने उसके अगेंस्ट प्लानिंग की। तनु को बहुत गुस्सा था और कहती है कि उसने अपने आप को बेहोश होने से बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरब ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया। दूसरी प्रज्ञा को होश आते और देखती है कि वो ट्रक में होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर टकराता है और वो जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ सल्ला भी जख्मी होती है। जंकी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। दूसरा आलिया बहुत खुश होती है कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए और वो तनु का फेस कवर करती है ताकि सबको लगे कि प्रज्ञा है। इतने में आलिया तनु को सीढ़ियों से नीचे लेकर जाती है। दादी दासी और पूरब सब समझते हैं कि ये प्रज्ञा है, इसलिए आलिया तनु को मंडप में बिठाती है और पंडित जी पूजा स्टार्ट करते हैं। इतने में अभी की घड़ी आग में गिर जाती है। अभी पूजा रुकवाता है और आग में हाथ डालकर अपनी घड़ी निकालता है और उसका हाथ जल जाता है। पूरब उसे मंडप के बाहर लेके जाता है और उसके हाथ पर बर्फ़ लगाता है। दादी दादी सब पैनिक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने हाथ आग में क्यों डाला। अभी कहता है कि ये घड़ी प्रज्ञा की फेवरेट है और वो उसे जलने नहीं दे सकता। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर डेली कुमकुम भाग्य न्यूज़ एंड अपडेट्स।